हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जब भी हम चावल बनाते हैं, अक्सर सबके घर में चावल बच ही जाते हैं, जैसे दाल कढ़ी छोले वगैरह के साथ हम बनाते हैं। तो ऐसे ही बचे हुए चावल की मैं बहुत ही टेस्टी सी और सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ, और बहुत कम इन्ग्रीडियंट्स में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है। तो शेज़वान फ्राइड राइस बनाने के लिए देखिए, हमने ले लिए हैं बचे हुए चावल, साथ में गाजर, थोड़ी सी बीन्स, और ये ली है शिमला मिर्ची। आप प्याज खाते हैं तो बिल्कुल डाल सकते हैं, या फिर लहसुन भी खाते हैं, जो आपकी चॉइस है। इसके बाद देखिए, मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें डाला है मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब ऑयल, और इसमें जाएंगी हमारी सब्जियाँ। सबसे पहले मैंने बीन्स डाली हैं, उसके बाद गाजर, और फिर ये शिमला मिर्ची। सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से हमें भून लेना है, हल्का सा ना इनमें क्रिस्प रह जाए, बहुत ज़्यादा एकदम ये सॉफ्ट ना हो, हल्की क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छी लगती हैं। तो देखिए, मैं इन्हें भून लेती हूँ बहुत अच्छे से। सब्जियाँ हमारी भून चुकी हैं, तो मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी लाल मिर्ची, और उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर, और इसके साथ ही इन सारी चीज़ों को डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इसमें जाएगी थोड़ी सी सोया सॉस, सोया सॉस डालकर हमें सारी सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1-2 मिनट तक भून लेना है सारी सब्जियों को, और उसके बाद डाल देंगे हम ये चावल। इनको जैसे ही चिपक जाते हैं ना, थोड़े से बचे हुए चावल हैं, तो इनको हाथ से हल्का सा खोल लेंगे ताकि ये अलग अलग थोड़े खिले खिले हो जाएं। और उसके बाद जाएगा इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक, और नमक डालने के बाद अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इन्हें ढक कर 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि हमारे चावल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद वापस से इन्हें मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर मैं कर दूंगी इन्हें गार्निश। तो चलिए चलते हैं अब इन्हें सर्व करने की प्रोसेस में। और इधर देखिए, हमारे बहुत ही सुपर टेस्टी से शेज़वान फ्राइड राइस बनकर तैयार हैं। और कितने सिंपल तरीके से मैंने इन्हें बनाया है, बहुत कम सामान में और बहुत कम सब्जियों में, बहुत कम चीज़ों में देखिए मैंने इन्हें बनाया, और खाने में इनका टेस्ट बहुत कमाल का लगता है। तो चलिए वीडियो, और अगर ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।